नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हमारी ये सामान्य ज्ञान की 19वीं क्लास है, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को अपने एग्ज़ाम्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपके सभी कन्फ्यूजन जो हैं वो दूर होते रहें। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। दिल्ली चलो ये नारा जो था किसने दिया था? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। मारो फिरंगी को, ये नारा जो है मंगल पांडे जी का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये नारा जो दिया था वो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। अब बात करते हैं कि भारत का नेपोलियन जो है वो किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये आपका एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप लोग, ये सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्या पता आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकते हैं, इसलिए आपको तो फिलहाल सब कुछ सभी चीज़ों की नॉलेज होना अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास जो है वो किस समाज सुधारक कर रहा है? तो उनका नाम है राजा राम मोहन राय। इन्होंने सती प्रथा के अंत में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। चलिए बात करते हैं कुछ अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें है आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना जो थी सिंगापुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले भी जैसे कि आपके साथ डिस्कस किया था कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके जन्म दिवस को खेल के रूप में मनाया जाता है? तो उनका नाम है मेजर ध्यानचंद। इनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वो 5 जून को मनाया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग दिवस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो आपको फिलहाल जो मेन मेन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दिवस हैं फिलहाल तो मैं आप लोगों को करा ही रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से भी थोड़े बहुत दिवस अपने आप से याद करते रहिए। बाकी क्वेश्चन के साथ ही साथ मैं आप लोग के कन्फ्यूजन दूर करता रहूँगा। अगला क्वेश्चन है जय हिंद, तो ये जो कहा था ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो एक तो था दिल्ली चलो और ये है जय हिंद, तो ये दोनों ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि है वो किसने दी थी? ठीक है, गांधी जी को जो था महात्मा की उपाधि दी थी वो उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, तो इन्होंने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। तो इस तरीके से आप लोगों से किसी भी पुस्तक का नाम या उसके राइटर का नाम आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग के ये खुद से थोड़ा बहुत पढ़ते रहना, बाकी तो कोई दिक्कत लेने बात बात है ही नहीं आप लोगों के लिए। आप लोग चैनल पर बने रहेंगे तो धीरे धीरे कर करके आपके सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा, तो आप लोग बस चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ BSA ट्रिकी क्लासेस को। अपनी टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, बाकी अपना जो थोड़ा बहुत घर पे पढ़ रहे हैं बस उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आप लोगों के इतने क्वेश्चन करा देंगे कि आप लोगों के 98% तक जो है क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है जो भारत का सबसे उच्च स्तर पर नागरिक सम्मान है। ये एक फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो जो फिल्मी इंडस्ट्री में दिया जाता है तो सबसे जो बड़ा पुरस्कार है, जो सबसे उच्च पुरस्कार है वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अब बताइए भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। देखिए वीरता के क्षेत्र में जो सबसे ऊँचा जो सबसे बड़ा जो पदक है वो है परमवीर चक्र, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है परमवीर चक्र। फिल्म की बात करें तो सबसे उच्च स्थान पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और बात करें सर्वोच्च नागरिक की तो वो है भारत रत्न, ठीक है। अब बात करें भारत का शेक्सपियर जो था किसे कहा जाता है? वो तो भारत का जो शेक्सपियर है वो कालिदास जी को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जैसा कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, देखिए हम लोग बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो वो आप लोग का रिवाइज हो जाता है, जिससे वो क्वेश्चन आप लोग का और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो आप लोग को ये लर्न हो गया होगा अब तक कि यूरी गॉगरीन है जो कि आपके रूस के निवासी है, ये अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया?
तो जो ग्रह का नाम है वो है आर्यभट्ट, और इसे सन 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे, वो आप लोगों का 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। तो देखिए, बीच बीच में आपके दिवस के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो जो आपकी इंसुलिन ग्रंथि है, जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि है, वो आपके इंसुलिन को स्रावित करती है। ठीक है, तो जीएस के साथ साथ आपको जैसा कि पता ही कि हम लोग साइंस के क्वेश्चन भी आप लोग के लिए लाते रहते हैं, लेकिन साइंस भी तो हमारी जीएस पार्ट में ही आती है, तो इसलिए थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिक्सअप हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपका देखिए स्पोर्ट्स का है कि डूरंड कप, ठीक है, तो इसका संबंध जो है किस खेल से? तो फुटबॉल में ये डूरंड कप दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है। अब बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का पॉलिटी से है, क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो है 22 भाषाओं को यहाँ पर मान्यता दी गई है। और देखिए, हमने अनुसूचियाँ जो हैं हमारे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, तो इस अनुसूचियों के बारे में हमने फुल डिटेल से यहाँ पर बताया, जिसमें हमने पहली दो एक से लेकर 12 तक का पूरी डिटेल में इसका विवरण दिया है आप लोगों को। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो बस आप लोग को अपने स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में एक आई आइकन का बटन आ रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप लोग भारतीय संविधान के सभी अनुसूचियों के बारे में जान सकते हैं। और यहाँ पर 22 भाषाओं के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमने उन सभी 22 भाषाओं का भी उसमें उल्लेख किया है, तो आप लोग वहाँ से वो देख सकते हैं। ठीक है, और फिलहाल अगर नहीं मिल रही है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम लोग आपको उसकी डायरेक्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल बात करते हैं चीन की मुद्रा कौन सी है। देखिए, चीन में जो मुद्रा चलती है वो चलती है युआन, युआन चीन की मुद्रा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि रेड क्रॉस, ठीक है, क्या है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके हेनरी डुनांट। क्या नाम है इनका? हेनरी डुनांट। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफ़ी आप लोगों के लिए कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो नाम है एनीमिया। ठीक है, क्या नाम है? एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है, जैसा कि पहले डिस्कस किया था, ये हमारे ब्लड में पाया जाता है, और हमारे जो ब्लड का जो लाल रंग है वो भी हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। फिलहाल बात करते हैं भारत की कोकिला, यानी कि भारत कोकिला कौन कहलाते हैं? तो भारत की कोकिला कहा जाता है इन्हें, सरोजनी नायडू जी को, इन्हें भारत की कोकिला नाम से जानते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन फिर पॉलिटी से आए, ये आपका आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त मिल उसे मतलब प्राप्त हो गया है? तो वो आर्टिकल है 370, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को आज के क्वेश्चन पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आपके एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप लोग का स्टडी जो है कंटिन्यू चल सके। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से इस वीडियो के अगले पार्ट में, तो आप लोग चैनल में बने रहिए, देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ BSET की क्लासेस को। तब तक के लिए नमस्कार।